कोरोना के वैश्विक मामले बढ़कर 52.1 करोड़ हो गए हैं। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 62.6 लाख हो गई है। महामारी से बचाव के लिए टीके की कुल 11.41 अरब डोज दी जा चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी साझा की। मंगलवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक मामले 52.19,11,280 है। मरने वालों की संख्या 62,65,362 है, जबकि टीकाकरण की कुल संख्या 11,41,30,47,894 है। सीएसएससी के अनुसार अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहां पर कोरोना के 8,26,13,628 मामले हैं और 9,99,841 मौतें हो चुकी है। भारत इस मामले में दूसरे नंबर पर है और 4,31,23,801 मामले भारत में आ चुके हैं। 10 मिलियन से अधिक मामलों वाले देश ब्राजील 3,07,01,900, फ्रांस 2,93,83,661, जर्मनी 2,57,32,153, यूके 2,23,85,203, रूस 1,69,98,438, दक्षिण कोरिया 1,78,30,429, इटली 1,70,71,650, तुर्की 1,50,55,576, स्पेन 1,21,27,122 और वियतनाम 1,06,98,180 है। जिन देशों ने महामारी से 1,00,000 से अधिक लोगों की जान का आंकड़ा पार किया उनमें ब्राजील 6,65,216, भारत 5,24,241, रूस 3,70,145, मेक्सिको 3,24,622, पेरू 2,13,013, यूके 1,78,063, इटली 1,65,346, इंडोनेशिया 1,56,464, फ्रांस 1,41,516, ईरान 1,41,232, कोलंबिया 1,39,821, जर्मनी 1,37,499, अर्जेंटीना 1,28,776, पोलैंड 1,16,207, स्पेन 1,05,444 और दक्षिण अफ्रीका 1,07,55 के साथ शामिल है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।